12 वर्षों से विकास को तरस रही नवाबगंज सब्जी मंडी मार्ग को बनवाने के लिए यहां के निवासियों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर संबंधित विभाग के अफसरों के जा जा कर जूते घिस दिए, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। यहां रहने वालों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए कई बार अनशन तक किया गया, लेकिन न तो अधिकारियों के कान में जू रेंगी और न ही कोई जनप्रतिनिधि ने इस पर कोई ध्यान दिया। जेएमडी न्यूज ने जब यहां आकर लोगों से उनका दर्द पूछा तो लोगों के अंदर विभाग के प्रति पनप रहा रोष सामने आ गया, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद जब सड़क निर्माण शुरू हो गया तो लोगों ने जेएमडी न्यूज का दिल से धन्यवाद दिया। जेएमडी न्यूज में प्रमुखता से दिखाई जाने वाली ये सड़क जो कि 1.7 किलोमीटर की है, जिसको दिखाने के बाद उसका बड़ा असर हुआ है। आइए जानते हैं जनता का क्या विचार है इस सड़क को लेकर के बनने के बाद। वहीं इस आदेश के बाद से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। काफी अरसे बाद ठीक हो रही सड़क का श्रेय लोगों के साथ ही पीडब्ल्यूडी के महाप्रबंधक ने भी जेएमडी न्यूज को दिया है, और साथ ही इस तरह के जटिल मुद्दों को उठाने के लिए जेएमडी न्यूज के कार्यों की सराहना भी की। कानपुर से जेएमडी न्यूज के लिए हनी जायसवाल के साथ राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। सबसे पहले जेएमडी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि 12 साल से पड़ी इस सड़क को तमाम चाहने वाले आए लेकिन दिखाया, लेकिन कामयाबी नहीं पाए। लेकिन जब ये जेएमडी न्यूज वाले आए तो उन्होंने जनता से रूबरू होके अच्छी तरह न्यूज छापी और इस विषय में ध्यान दिया, जिसके कारण अधिकारियों के कान में जू रेंगी और उन्होंने समस्या का समाधान किया। जेएमडी न्यूज़ चैनल को बहुत ही बहुत धन्यवाद दूंगा जो इसने इस प्रकरण को जोर शोर से उठाया और 15 मई तक ये सड़क पूरी कंप्लीट हो गई। ये रोड डायरेक्ट कंपनी बाग चौराहे से शहर से गंगा बैराज को जोड़ती है, जो लखनऊ जाने के लिए एक सुगम साधन हो गया है। ये सड़क जो अभी हमारे यहाँ से बनी है तो उसको जल निगम पाइप डाल रहा था, और पाइप डाल के और डालने के लिए उन्होंने खुदाई कर दिया था। उनकी खुदाई की वजह से आवागमन में काफ़ी दिक्कत थी, यात्रियों को काफ़ी परेशानी थी, किंतु जो ही उन्होंने अपने पाइप डाल करके और सब काम पूरा कर दिया तो हमने करीब 1.5 महीने के अंदर सड़क को बना दिया है, और हम समझते हैं कि इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है और ये जनता को बहुत इससे सुविधा होगी। किसी को दमा हुआ, कोई धूल से ग्रसित हुआ, किसी का व्यापार नहीं चला, किसी को मार्ग से इतनी समस्या थी कि बहू बेटियों का निकलना मार्ग में बद से बदतर था। 12 साल से ये सड़क निर्माणाधीन थी। जल विभाग लोक निर्माण विभाग के ऊपर टीकरा फोड़ता था। लोक निर्माण विभाग आखिरी में क्या करती जब अंदर पाइपलाइन में ही मलाई की तरह उछाड़ लिया गया, भ्रष्टाचार लिप्त था। ठेकेदार और आला अधिकारी आपस में मिल करके पाइपलाइन में क्या भ्रष्टाचार कर रहे थे, ये जब संज्ञान जेएमडी न्यूज़ ने अपने कैमरे पे दर्ज किया, संज्ञान टीवी पे दिखाया, तो उप सचिव संजय अग्रवाल ने इसको प्रमुखता से लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि 15 मई डेडलाइन दे दी गई और समय से पूर्व लोक निर्माण विभाग ने पाइपलाइन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त जल विभाग से करा करके इस सड़क को समय से पूर्व बना दिया, जिसमें लोगों पर अच्छा खासा खुशी का माहौल है। लोगों के व्यापार चल रहे हैं, बहु बेटियाँ घर से निकलने के लिए अब सुरक्षा नहीं ढूंढ रही हैं भतेरी, लेकिन आज भी विकास अन्य सड़कों पर देखने को मौजूद है। कैमरा पर्सन हनी जायसवाल के साथ मैं राहुल मिश्रा, जेएमडी न्यूज़।